नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एक स्टॉक की, जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी है, जिसने जो एक मतलब 1991 में फाउंड की गई थी, मतलब 1991 में स्थापना हुई थी कंपनी की, उसके बाद से कंटिन्यू ये रियल एस्टेट बिजनेस में सक्रिय है अपने इंडिया में। तो ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो रियल एस्टेट बिजनेस में लगभग अहमदाबाद के आसपास को हमें देखने को मिलता है। और यह कंपनी ने लगभग 22 मिलियन स्क्वायर फीट की रियल एस्टेट स्पेस अभी तक बेची है और 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट अभी अंडर डेवलपमेंट हमें यह कंपनी के देखने को मिल गई है। तो यह कंपनी के स्टॉक के बारे में हम लोग जानेंगे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। मैं आपको बताऊंगा आपको यह स्टॉक में कौन से प्राइस में एंट्री करनी है, कौन से प्राइस में एग्जिट करनी है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट प्राइस क्या रहेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यह एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह भी इसको रख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हमारे अभी screener.com की स्क्रीन पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने हैं कर रहे हैं गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यह कंपनी BSE में और NSE में दोनों, यह कंपनी NSE और BSE हमें दोनों जगह लिस्टेड देखने को मिलती है। देखिए, आज की डेट थी 8 फेब, और आज के दिन 219 रुपए के आसपास यह स्टॉक हमें ट्रेड होते हुए नजर आया था। कंपनी के बारे में अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है कंपनी के बारे में। एक रियल इस्टेट बिजनेस की यह कंपनी है जो 1991 से कार्यरत है। सबसे पहले हम कंपनी का एक बेसिक सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1141 करोड़, स्टॉक करंट स्टॉक प्राइस 219 रुपए के आसपास है। कंपनी ने हाई बनाया है 244 रुपीज का, और स्टॉक के मतलब और स्टॉक ने लो बनाया है 39 रुपीज का। स्टॉक का पीई हमें देखने को मिल रहा है 25.4, और इंडस्ट्री का पीई हमें देखने को मिल रहा है 31.7। बुक वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 104 रुपये, और फेस वैल्यू हमें 10 रुपये देखने को मिल रही है। उसके बाद ROE की बात करें तो -18.7 है, और ROCE की बात करें तो -3.81 हमें देखने को मिल रही है। डेब्ट जो है कंपनी पे 226 करोड़ का है, जो मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ही देखने को मिल रही है 56.5% की। डेब टू इक्विटी 0.42 देखने को मिल रहा है, और CMP FCF अब देखें तो 8.59। प्रॉफिट ग्रोथ 133% लास्ट ईयर देखने को मिली थी। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 साल की तो -12.1% हमें देखने को मिल रही है, और उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 25.4 देखने को मिल रहा है। ROE देखेंगे पिछले 5 साल का तो -2.20% देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर देखेंगे तो -18.7% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ पिछले साल के देखे जाए तो 203% हमें देखने को मिली है। अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने 3 महीने में रिटर्न दिया है 5% का, और यह स्टॉक ने रिटर्न दिया है 6 महीने में 88.1% का, 1 साल में रिटर्न दिया है 400% का, और 5 साल में रिटर्न दिया है 21.8% का। जो ये था कुछ कंपनी का बेसिक सा ओवरव्यू स्टॉक का और कंपनी का। अगर हम लोग देखेंगे चार्ट इसका 1 साल का, तो देखिए एक काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जो काफी अच्छी चीज है। उसके बाद स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो डेप्ट है वो कम होते हुए नजर आ रहा है, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर कॉन्स की बात करेंगे तो पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है -12.13% पिछले 5 साल से। लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है -9.59% पिछले 3 साल से, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करेंगे हम लोग तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला था 32 करोड़ का। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो हमें देखने को मिला 25 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला 25 करोड़ का। तो ये काफी अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -48 करोड़ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स -114%, और नेट प्रॉफिट -105%। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम दिख रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 10 साल से 0 है, लेकिन 5 साल से -12% और 3 साल से -30% देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ
देखो मतलब कुछ खास दिख नहीं रही। स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये देखेंगे तो 10 साल में 11%, 5 साल में 22%, 3 साल में 57% और 1 साल में 400% का रिटर्न स्टॉक ने दे चुका है। तो इसीलिए बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यह स्टॉक काफी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल का 2%, 5 साल का -2%, 3 साल का -10% और लास्ट ईयर का -19% हमें देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैलेंस शीट का देखिए टोटल असेट्स जो है कंपनी के पास वो हमें 1,007 करोड़ के देखने को यहाँ मिल रहे हैं। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो हमें 3 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर रेशोज की बात करें बाकी के तो रेशो में अगर हम लोग यहाँ देखेंगे कैश कन्वर्शन साइकिल का तो 901 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है तो प्रोमोटर होल्डिंग 56.54%, एफआईआई की होल्डिंग 1.02% और पब्लिक होल्डिंग 42.44% हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये था कुछ इन डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस यह स्टॉक का गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के तरफ। तो हम लोग आ गए यहाँ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें एक अच्छा खासा एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक माइनर सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो वो भी एक चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप हम लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सही है यह स्टॉक। अभी देखिए बहुत टाइम से यह कंसोलिडेशन जोन में, यहाँ मतलब एक ही रेंज में यहाँ ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, जो ब्रेकआउट देके ऊपर ही जाएगा, मतलब अच्छा खासा रिजल्ट दिखने मिलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप बाय करेंगे सीएमपी पे, या फिर आप बाय कर सकते हैं 198 से 203 के रेंज में, ठीक है। उसके बाद आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 177 का। उसके बाद टारगेट वन रहेगा 240। उसके बाद टारगेट टू रहेगा आपके लिए यहाँ पे 255। और उसके बाद टारगेट थ्री रहेगा यहाँ पे 275, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपको ट्रेल करते रहना है, आपको डेली क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेल करते रहना है स्टॉप लॉस को। तो देखिए इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ठीक है। और मैं बोल रहा था कि जैसे आप अगर यहाँ सीएमपी में एंट्री लेते हैं तो भी आपको प्रॉफिट देगा ही। अगर ये जो रेंज है इस रेंज में लेते हैं तो भी प्रॉफिट देगा। और अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैंने इस रेंज में परचेस करके रखे हैं यह स्टॉक्स। मैंने जो खरीदे हैं यह स्टॉक 180 के रेंज में खरीद के रखे हैं, जो 27 जनवरी के आसपास के ट्रेड होते हुए नजर आ रहा था, ठीक है। अगर आपको खरीदना है तो आप सीएमपी भी खरीद सकते हो या फिर ये वाली रेंज में खरीद सकते हो, ठीक है। एक मिनट ना, मैं मार्क करके दे देता हूँ आपको। आप एक ये वाली रेंज में भी खरीद सकते हो, ठीक है, या फिर सीएमपी में भी खरीद सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप खरीदिए, ठीक है। ये रेंज में अगर फिर से आता है तो आपको फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है। अगर ये रेंज में आता है, अगर आप चाहे तो आप ये रेंज में भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये रेंज तक आएगा कि नहीं इसकी कुछ गारंटी है नहीं अभी। तो इसलिए कुछ क्वांटिटी ये वाली रेंज में खरीदिए, कुछ क्वांटिटी ये रेंज में खरीदिए, ठीक है। और टारगेट तो मैंने आपको वैसे ही बता दिए हैं,
टारगेट तो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो अभी यहाँ तक आपने देखी ली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो नीचे दे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।